हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आप लोगों को ने बहुत कमेंट किया कि इस टॉपिक को वीडियो बनाओ, कि आपने मतलब पढ़ाई कहाँ से किया, क्या किया, प्रोसेस क्या था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था 2018 वाले वैकेंसी में हुआ था। जैसे ही मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ, 2017 में मैं डिप्लोमा का पास आउट हुआ था, तो जस्ट उसके बाद ही 18 में वैकेंसी आया, तो उस वाले में हुआ था। और ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर का लिफाफा जिसमें आया था। को मैंने जब पहली बार हाथ में लिया था तो अलग ही खुशी आया था, इसलिए इसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है, जिस लिफाफे में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने रखा हुआ, इसमें जो पेपर वगैरह था सब जमा हो गया है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से रखा हुआ है। इस पर ये नाम लाने के लिए जो मेरा है एड्रेस वगैरह है। तो बेसिकली मैं यही बताऊँगा कि इस पर मेरा नाम लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा और क्या क्या किया। तो भाई लोग, वो था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि ज्वाइनिंग लेटर तो देख लिया, मिला कैसे मुझे, क्या क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ रहना पड़ा। तो देखो भाई, स्टार्ट हुआ था, मैंने 10th ख़त्म किया, उसके बाद मैं गया 2014 में डिप्लोमा करने, उसके बाद 17 में मैं पास आउट हुआ डिप्लोमा से। और जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो घर वालों ने पहले ही बोल दिया कि देखो, तुमको करना है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैं चला गया इलाहाबाद, क्योंकि मुझे पता था कि इलाहाबाद में कुछ लोग, मेरे भैया लोग थे, वो लोग पढ़े थे, तो उन्होंने बताया था कि इलाहाबाद में अच्छा कोचिंग है, कैरियर कोचिंग। तो मैं वहाँ पे चला गया था। बेसिकली वो था जेई के लिए, मैं एएलपी के लिए प्रिपरेशन नहीं करता था, जेई के लिए करता था। तो जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने, तो रूम पे ऐसे ही जनरल सेल्फ स्टडी, क्योंकि एसएससी था, एसएससी में 50 मार्क्स का जनरल आता है, तो मैं जनरल पढ़ता था और रीजनिंग वगैरह पढ़ता था, मैथ नहीं पढ़ता था। तो जब ये 2018 में वैकेंसी आया, तो मेरी कोचिंग वालों ने ऐसे क्लास स्टार्ट करवाया था मैथ का, जो कि काफ़ी शॉर्ट था, 8 दिन में पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म हो गया था। और फिजिक्स का क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ा कभी मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से था। तो डिप्लोमा वालों और बीटेक वालों का ये फ़ायदा रहता है कि उन लोगों को मैथ का क्लास नहीं करना पड़ता है। तो सीबीटी 1 के लिए स्पेशल बुक्स मैं 3-4 लिया था, स्टार्ट किया था मैं सागिर अहमद से मैथ लगाना। साइंस के लिए मैंने लिया था लूसेंट का उसी से पढ़ते थे। और उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने लिया था लूसेंट का ही, रीजनिंग का एक ग्रीन कलर का बुक आता है, और एक अरिहंत का लिया था, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अरिहंत से प्रैक्टिस करो और लूसेंट से पढ़ाई, तो इससे क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर सकते हो कि प्रैक्टिस सेट टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था, और उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म का भी आता है ऑफलाइन, और टेक्स्ट बुक का जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो इस पर प्रैक्टिस करो। और टेक्स्ट बुक पर एक चीज़ है कि आपका जो वीक पॉइंट है वो बता देता है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी बता देता है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो तो ठीक है, जो वीक है उस पर काम करना चालू कर दो। तो ये मैं करता था यही। और जो प्रैक्टिस सेट था वो अभी आप लोग प्रीवियस ईयर लेना, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो आता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में है वही रहता है उसमें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा मिलते रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है। क्वेश्चन देख के हमेशा बोलता हूँ कि टॉपिक क्लियर किया करो, ओनली क्वेश्चंस नहीं। तो और फिर एक करेंट अफेयर्स का सब्जेक्ट आता है और जनरल अवेयरनेस का। तो करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक ले लो, लेकिन रेगुलर आप 6 महीने वाला मत लो, एक मंथ वाला लोगे वो परफेक्ट चीज़ है। एक मंथ वाला हमेशा पढ़ते रहो, उसको रिविज़न करते रहो, और जो लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको अलग जगह पर नोट करते रहो। तो ये मैं करता था। और फिर मेरा सीबीटी 1 क्लियर हुआ, उसमें मेरा 36 नंबर था, और रॉ मार्क्स था ये। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें मेरा 45-46 के अप्रॉक्स हुआ था। तो ये हो गया सीबीटी 1 के लिए, और बुक्स मैंने बता दिया है, आप नोट कर लेना। तो सीबीटी 2 के लिए मैं वहाँ से पटना आ गया, और ऐसा नहीं पटना आया मैं सेल्फ स्टडी के लिए आया था, मैं कोई क्लास वगैरह पटना में भी नहीं करता था। तो पटना में मैं आके बस एक चीज़ करता था एक्स्ट्रा, जो कि इलाहाबाद में नहीं करता था पहले। तो वहाँ से मैंने कोचिंग छोड़ दिया था, यहाँ पे भी कोचिंग नहीं करता था, वहाँ पे भी नहीं करता था।
एक्स्ट्रा जो मैं एक चीज़ करता था वो ये था कि मैं मैथ का प्रैक्टिस करने जाता था। तो मैथ का प्रैक्टिस करने में जाता था माथुर सर के पास, जो माथुर सर थे उनके पास मैं जाता था। और वहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चंस वो ओनली मैथ कराते थे, ऐसा नहीं कोई दूसरा चीज़ करा रहे हैं, ओनली मैथ वही करता था मैं। और वहाँ पे एक्स्ट्रा 3 4 बुक मैंने ऐड किया था। एक्स्ट्रा जो बुक मैंने ऐड किया था उसमें ये था कि एक किरण पब्लिकेशन का मैंने मैथ लिया हुआ था, और जो सेट है प्रैक्टिस करने वाला वो तो आपको हमेशा रखना है, जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हो प्रैक्टिस उसको हमेशा करना है। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बुक में मैंने किरण लिया हुआ था, और रिमाइंडर का मैंने बुक लिया, और एक अरिहंत का लिया। रिमाइंडर साइंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए है, और ये स्पीडी जो है वो भी ऐसे ही जनरल अवेयरनेस और साइंस के लिए मैं पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं कि उसको अलग से कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं, उसको भी ऐड किया था मैंने। तो आप लूसेंट का साइंस ले लो, स्पीडी का ले लो, अरिहंत का ले लो, और रिमाइंडर का। साइंस में 4 बुक से पढ़ता था, और स्पेशली फिजिक्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड चीज़ों पे ध्यान दो, न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, वो सबसे फ़ायदा का चीज़ है। ये करता था मैं पटना में रह के, और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी, जब भी टाइम मिलता था खुद से पढ़ो। और एक रात को बस 8 बजे मैं जाता था प्रैक्टिस करने, और कुछ नहीं करता था मैं। सेल्फ स्टडी, टेक्स्ट बुक पे दिन भर में 2 सेट लगाता था मैं, प्रैक्टिस सेट, और एक लगाता था मैं प्लेटफॉर्म पे। और CBT 2 के लिए एक स्पेशल चीज़ और कर सकते हैं कि साइंस का जो बुक मैंने बताया, 2 इसमें डिटेल बुक है, एक लूसेंट का और एक अरिहंत का। तो आप लोग ऐसा करो कि टॉपिक वाइज पढ़ो पहले, फिर उसके बाद उसका वन लाइनर पढ़ो। टॉपिक वाइज पढ़ो पूरा डिटेल में, फिर उसका वन लाइनर पढ़ो, और उसके बाद साइंस का ही एक बुक आता है जिसमें ओनली ऑब्जेक्टिव्स दिया होता है, क्वेश्चन आंसर टाइप, प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है साइंस GK कुछ भी पढ़ने का। पहले टॉपिक डिसाइड करो, पढ़ो डिटेल, फिर वन लाइनर पढ़ो, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाओ। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, और ये इस वीडियो का सबसे बढ़िया ट्रिक है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरा, आप सब लोग बोलते हैं कि कुछ टिप्स बताओ, तो ये सबसे बेस्ट टिप्स है मेरा कि पहले टॉपिक डिसाइड करो, वन लाइनर पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ये करता था मैं। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो फ़ायदा रहेगा। तो मैं ये करता था CBT 2 के टाइम। तो फिर मेरा CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ, और दोनों एग्ज़ाम CBT 1 और CBT 2 मेरा सिकंदराबाद में हुआ था, मौलाली। तो उस टाइम मैं आया था ऐसे ही, जो स्पेशल ट्रेनें चलती थी बिहार से उसमें ही आया था। और CBT 3 मेरा हुआ था, मतलब साइको हुआ था मेरा विशाखापट्टनम में। और उसके लिए स्पेशल मैं फिर से पटना से, जबकि मैं इलाहाबाद छोड़ चुका था, तो फिर से मैं गया था पटना से इलाहाबाद। वहाँ पे पता चला था कि एक अच्छा कोचिंग है, उसमें अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे मैं गया था। लेकिन कोचिंग करने का एक फ़ायदा पता चला कि कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, साइको के लिए स्पेशली कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और मैं एक सेट को कम से कम 5 बार लगाता था, 4 बार, मैं उसमें 50 या 40 सेट मिला था मुझे, तो मैं उसको रिपीट पे लगाता था। एक बार 50 ख़त्म किया, फिर एक बार 50 ख़त्म किया, फिर एक बार 50 ख़त्म किया। और एक चाणक्य का आता है और एक अपग्रेड का आता है, वो आप ले सकते हो, और उसको रिपीट पे मैं लगाता था। दिन भर में कम से कम मैं 6 7 सेट लगा लेता था साइको का। और साइको का सबसे मेन चीज़ वही है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस। कोचिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है साइको के लिए, और किसी का मन हो तो कर लो, क्योंकि मन को संतुष्टि मिलता है। मैं भी किया था, मुझे भी मना किया गया था, लेकिन फिर भी मैं किया। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन साथ में आप दिन भर में कम से कम 6 7 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, जरूर से जरूर लगाना। साइको के लिए ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म का आता है, लेकिन मैं प्रीफर करता था ऑनलाइन। आप लैपटॉप रखो या जो भी रखो, या कहीं जाके लगाओ, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, वो करो। तो फिर से मैं पटना था, पटना से मैं आया यहाँ पे। इसी चक्कर में मेरा JEE बर्बाद हो गया। JEE का CBT 1 मेरा हुआ था, लेकिन CBT 2 के टाइम टाइम नहीं मिला, मेडिकल वगैरह था, मेडिकल DB सब चीज़ क्लियर करने के बाद मुझे ओनली 10 दिन का टाइम मिला अपने JEE के CBT 2 के लिए। इसके वजह से मेरा JEE का CBT 2 नहीं हुआ था। अब वो मेरा भी कुछ गलती था, मैंने पूरा फोकस ALP पे कर दिया था उस टाइम पे। तो ये था पूरा मेरा कि मैं ट्रिप वगैरह क्या था। तो एक बार मैं बुक का नाम रिपीट कर देता हूँ, 7 8 बुक है, आप ले सकते हो। पहला लूसेंट, लूसेंट का साइंस, लूसेंट का रीजनिंग, और लूसेंट का आप एक ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। ये हो गया साइंस के लिए, और उसके बाद रीजनिंग के लिए, और उसके बाद हो गया मैथ। मैथ के लिए सागर अहमद, किरण पब्लिकेशन, और आप जो भी प्रैक्टिस सेट लो, अभी तो प्रीवियस ईयर आता होगा, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। ये हो गया मैथ के लिए। और मैथ के लिए मैं बोलूँगा जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, रीजनिंग के लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो।
ये सब बुकें हैं, और आप स्पीडी ले सकते हो और रिमाइंडर ले सकते हो। ये वन लाइनर के लिए है, ये सबसे बेस्ट है वन लाइनर रिमाइंडर के लिए, मुझे सबसे अच्छा लगता है। और स्पीडी और जो करेंट अफेयर्स के लिए बुक है वो कोई भी लो, प्लेटफॉर्म लो, स्पीडी लो, सबका बुक आता है। 1 मंथ वाला आप लिया करो, 6 मंथ वाला नहीं। आदमी सोचता है कि 6 मंथ में मैं पढ़ लूँगा क्लियर हो जाएगा, नहीं, 1 मंथ वाला आप लिया करो, वो सबसे बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। तो यही था, और मेरा मतलब नो वन से ALP तक का सफ़र ऐसे ही था, यही था। उसके लिए 2 बार मैं इलाहाबाद गया, पटना आया, फिर इलाहाबाद गया। उसके बाद 1 साल का कोविड का गैप था तो मैं घर पे ही बैठा रहा, उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ। तो अगर चाहते हो आप लोग तो DV और मेडिकल का डिटेल भी मैं बता दूंगा, कमेंट करना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सबका डिमांड था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इस पर वीडियो बनाओ, इस पर बनाओ, तो मैंने बना दिया।